ऑस्ट्रेलियन और ये तुमसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका टैलेंट जो है ना वो सही तरीके से आपका यूज नहीं हो रहा, नॉट अकॉर्डिंग टू द बुक। मैन कैन डू एवरीथिंग, आप ये सोच के खेलो मैं सब कुछ खेल सकता हूँ, मैं उल्टा शॉट भी खेल सकता हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। हर चीज का इलाज आपके पास प्रैक्टिस है। कट मारना है तो आपने बॉल के साथ खड़े रहना है, यहाँ बैटिंग करनी है तो लाजमी बात है आप बैक में नहीं जा सकते, आप ऑफ साइड पे जाओगे तो आप उस वक्त कट मारो, उसको कट मारो लेग साइड को ब्लॉक करके। इसी तरीके से आप ऑफ साइड पे आ जाओगे तो सारा बॉल आपके हाइट पे आएगा, सीने पे आएगा, यू विल प्ले मिड ऑन, मिड विकेट और लेग साइड पे आपकी क्रिकेट। ये याद रखो आज बड़ा पॉइंट है कि आपकी क्रिकेट हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। आज आपने 200 किए, भूल जाओ, लेट पीपल टॉक अबाउट दैट नॉट यू, तुमने बात नहीं करनी है, तुमने फिर अगेन स्टार्ट करनी है जीरो से। तो बैट्समैन एज लॉन्ग यू आर प्लेइंग यू आर ऑन जीरो, ये अपने ध्यान में बिठा लो। विकेट ने एक दफा उससे पूछा था किसी ने हु आर यू, उसने उसका जवाब क्या दिया, गो टू द लाइब्रेरी फाइंड आउट अबाउट मी। कि जब ये रिवर्स स्विंग थी तो हम लोग पीछे बॉलर को देखते रहते थे और अपने दोस्त को बैट्समैन जो सामने होता था उसको इशारा करते थे बैट से, लेफ्ट में पकड़ूंगा तो मेरी बात समझ जाना ये भाग करेगा। अगर एक आदमी ने आपके खिलाफ बैट्समैन के खिलाफ 3 स्लिप, 1 गली लिया, 1 पॉइंट लिया, 1 कवर लिया, इसका मतलब ये है कि वो आपको 99% 99.9% आपको वो ऑफ साइड की लाइन करेगा। अच्छा अब इसमें आप अपनी लाइन भी सेट, जैसे आप लेग स्टंप खेलते हैं तो आप मिडल स्टंप लेके खेलें तो ताकि आपका आउट स्विंग और ज्यादा आसान हो जाएगी। वो इसीलिए कि आपको ऑलरेडी पता मैं मिडल में हूँ और मेरा एक पैर आएगा तो मेरा ऑलरेडी 4th स्टंप पर चला जाएगा तो आपको छोड़ना आसान होगा। मगर जब लड़के हमारे लेग स्टंप से भी पीछे खड़े होते हैं ना, अवे होते हैं ना, तो उसके लिए हर बॉल जो है वो खेलने पे चला जाता है, उसको मिडल की बॉल भी उसकी स्लिप पे जाएगी। सबसे मेन जो चीज है हमें जो सिखाया जाता था कि वन ऑफ द बेस्ट फील्डर बनो, उसमें तुम 2 कैच अच्छे कर लोगे टीम को जिता दोगे, 1 अच्छा रन आउट कर दिया आपने टीम का पांसा पलट देते हो, आपके पीछे पूरा मुल्क की इज्जत है। आज आप 100 करोगे पूरा पाकिस्तान के हम लोग खड़े होकर उछालते हैं, छक्का मारा था आवाम उठी थी ना, हमें क्या था, कुछ नहीं। तो अपने अंदर यही जज्बा लगता है कि पाकिस्तान को नीचे दे।